Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Okay, children. So in last class we completed our chapter number 3. Today we are going to start our chapter number 4. That is builders of our house. Chapter number 4. So open your book and open page number 20. Okay. So builders of our house. ऐसे लोग जो कि हमारा घर घर बनाते हैं, ठीक है? कौन कौन होते हैं वो हम, ठीक है? लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. अ हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर अ फैमिली लिव्स. हाउस, घर. घर क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर एक साथ में रहता है. ओके. अ हाउस कैन बी बिग और स्मॉल. एक हाउस भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. मैनी थिंग्स आर नीडेड टू बिल्ड ए हाउस. बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक हाउस को बनाने के लिए. अब हमें काई काई की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की, स्टोन्स की, सैंड की, सीमेंट की, वुड की, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है एक हाउस को बिल्ड करने के लिए. वी कॉल दीज थिंग्स बिल्डिंग मटीरियल्स. और हम इन चीज़ों को किस नाम से जानते हैं? बिल्डिंग मटीरियल्स के नाम से, ठीक है? लेट्स हैव अ लुक ऑन द किचन. सो देखिए, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है हमारा हाउस, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है. यस. नाउ पिपिन हु हेल्प बिल्ड ए हाउस. वो लोग जो कि हमें हेल्प कर घर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है? बहुत से लोग हमें हेल्प तो हाउस को बिल्ड करने के लिए. सबसे फर्स्ट वन है आर्किटेक्ट. ही इज आर्किटेक्ट, ठीक है? आर्किटेक्ट ऐसा पर्सन होता है जो कि उस हाउस की क्या करता है, डिज़ाइन करता है कि वो हाउस कैसा बनेगा, और उसके कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है? आर्किटेक्ट अपन ने समझ लिया. नेक्स्ट वन इज़ ब्रिक लेयर. ब्रिक लेयर एक पर्सन होता है जो कि ब्रिक्स लगाता है प्लेस पे विथ मॉर्टर एंड ट्रॉवल. ये देखिए, ये मॉर्टर और इसका ट्रॉवल. ट्रॉवल ये होता है नीचे वाला और मॉर्टर ये होता है, ठीक है? इसकी हेल्प से ये क्या करता है, ब्रिक्स प्लेस करता है. नाउ मैसन इज अ पर्सन हु वर्क्स विथ स्टोन. ये मैसन है और ये स्टोन के साथ वर्क करता है. नेक्स्ट वन इज लेबर. लेबरर ये हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये करते हैं हेल्प मैसन की और ब्रिक लेयर की. ही कैरीज लॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं. कारपेंटर. कारपेंटर ऐसे पर्सन होते हैं जो कि काई से वर्क करते हैं, वुड से, जो कि डोर्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, कवर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं. हमारे घर का जितना भी फर्नीचर होता है वो कारपेंटर ही बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्लम्बर. प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर इज़ अ पर्सन हु लेज एंड फिट्स वाटर पाइप, सीवेज लाइन एंड अदर बाथरूम फिक्चर्स, ठीक है? प्लम्बर क्या होता है? प्लम्बर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि वाटर पाइपलाइन से, देखिए ये वाटर पाइपलाइन को फिक्स कर रहा है, ठीक है? ये पाइप्स वगैरह को फिक्स करता है, सीवेज लाइन को फिक्स करता है, और भी जो बाथरूम फिक्सर्स होते हैं, टॉयलेट फिटिंग्स होती हैं, ये सब ये करता है. इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन इज़ अ पर्सन हु लेज इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रीशियन ऐसा पर्सन होता है जो कि इलेक्ट्रिक वायर को लगाता है. अब हम नया घर बना रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग नहीं होगी, तो उसमें इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन, ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अवेलेबल हो सके. ही चेक्स ऑल द सॉकेट एंड स्विचेस. ये सारे सॉकेट और स्विचेस को चेक करता है. नाउ अ पेंटर. पेंटर इज अ पर्सन हु पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज ऑफ ए बिल्डिंग. एक पेंटर पर्सन होता है जो कि वॉल्स को पेंट करता है, डोर्स को पेंट करता है, विंडोज़ को पेंट करता है एक बिल्डिंग की. पेंटर्स तो हम सब जानते हैं. यस. ओके. नाउ फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस. अ गुड हाउस इज वन दैट इज जस्ट राइट फॉर योर फैमिलीज नेम. गुड हाउस एक वही हाउस होता है जो आपकी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से अच्छा हो. गुड हाउस की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो गुड हाउस होता है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, साथ साथ स्पेशियस, यानी उसमें एक अच्छी जगह होनी चाहिए, और आपके रहने के लिए वो सूटेबल होना चाहिए, ठीक है? द रूम्स आर एयरी एंड वेल लिट. जो रूम्स है वो एयरी होने चाहिए और वेल लिट, यानी उसमें अच्छी सनलाइट प्रोवाइड होनी चाहिए. जैसे कि इसमें दे रखा है, इट मीन्स द
दैट दे गेट अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर फ्रॉम द विंडोज़. उसमें विंडोज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, सनलाइट उसमें एक अच्छी अमाउंट में आनी चाहिए. ठीक है. अ हाउस शुड बी कीप कैप्ट नीट एंड क्लीन. एक हाउस को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ओके चिल्ड्रेन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज रीड द चैप्टर एंड लर्न द वर्क ऑफ पर्सन्स लाइक पेंटर क्या करता है, आर्किटेक्ट क्या करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. यू हैव टू लुक ऑन दीज थिंग्स. ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.